दिन का हो गया था आगाज़ और मैं बना रही थी आज फ्रेंच टोस्ट। ये क्लिप संडे, मंडे और ट्यूसडे के हैं। तो आज है संडे और यहाँ बन रहे हैं बच्चों के लिए गर्मा गर्म फ्रेंच टोस्ट। और उसके बाद मैंने लंच में बनाने थे एग फ्राइड राइस, राइस भी ट्राई करने थे और हम रूटीन के खानों से थोड़े से बोर भी हो गए थे। उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों के पास, बच्चे बिजी थे अपनी एक्टिविटी में। यहाँ मैं आ गई थी दोबारा से किचन में और लंच के लिए प्रिपरेशन करने शुरू कर दी थी मैंने। और राइस का रिज़ल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आइंदा मैं ये चावल बिल्कुल भी नहीं लूँगी। और सालन उज़न मेरे पास मौजूद था तो मैंने सोचा कि हस्बैंड के लिए मैं रोटी बना देती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने तो राइस खाने थे। और मैंने फिर कस्टर्ड भी बना लिया था और कस्टर्ड मैंने शूट नहीं की वो वाली क्लिप। और उसके बाद संडे हमारा बहुत जल्दी गुजर गया था। उसके बाद रात हो गई थी और रात को हम चले गए थे गिफ्ट मार्केट, वहाँ से कुछ सामान लेना था, कंटेनर्स लेने थे। और इसके अलावा खाने पीने की तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि काफ़ी कुछ ख़त्म हो चुका है जब तक मैं ये क्लिप शूट कर रही हूं, और जो कुछ रह गया है वो आपके साथ शेयर करूंगी आगे। Myself, no, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. Swore I'm over you. Oh well, it's not that easy. Waking up in this place all alone. Staying up night and day on the phone. तो खाने पीने में जो चीजें बची हैं वो यही हैं। तो मैं आपको बस यही दिखा रही हूँ, बाकी जो और कुछ चीज़ें थी वो इस्तेमाल हो चुकी हैं। और बच्चों के लिए जो मैं वैसे लेके आई थी सामान, उसमें दो हिजाब लिए थे मैंने और मुझे आर्टिफिशियल फ्लावर्स चाहिए थे अपने किचन के लिए, वो लिए थे। बच्चों के लिए टी शर्ट्स, ट्राउज़र और शॉर्ट्स ले लिए थे। और साथ ही मैं कुछ बड़े और छोटे जो मुझे कंटेनर्स चाहिए थे मज़ीद, वो मैं लेके आ गई थी। और फिर दिन का हो गया था इख्तिताम। 3, 2, 1 ये है मंडे का दिन और आज मुझे हस्बैंड के साथ जाना था किसी इम्पॉर्टेंट काम के सिलसिले में दुबई। और काम तो हस्बैंड का था और मुझे बैठ के करना था इंतज़ार, और मुझे क्या बल्कि किसी को भी इंतज़ार करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। और एक बैक स्टोरी मैं आपको सुना देती हूँ कि कुछ डेज़ पहले मैं लेके आई थी अपने लिए एक स्लीपर, जो कि मैंने 2 दिन बहुत मज़े से इस्तेमाल की और वो बहुत कंफर्टेबल थी। उसके बाद मेरे छोटे साहबजादे ने उसको तोड़ दिया था, उसके हुक्स निकाल दिए थे जो जॉइन होते हैं। तो आज मैंने पर्पसली वो पहन के आई थी कि मैं गाड़ी में ऐसे ही फ्री इंतज़ार नहीं करूँगी बैठ के, मैं उसको जोड़ लूँगी। लेकिन मैं हस्बैंड से ये कह रही थी कि मैं ये ले तो आई हूँ लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि अब मैं इसको, मैं मेरे पास तो कोई टूल ही नहीं है, मैं इसको जोड़ूँगी कैसे कैसे। तो वो जाते जाते मुझे एक टूल दे गए थे और उसी टूल की मदद से ये देखें, ये आप देख सकते हैं ना, ये एक इसका हुक निकला हुआ, तो ऐसे एक और भी निकला हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मैं बहुत खुश हो गई थी, मेरी स्लिपर जुड़ गई थी। बस सिर्फ इतना हुआ कि मेरी इंडेक्स फिंगर्स और जो ये मेरे थम्स हैं ये बहुत ज़्यादा पेन कर रहे थे। और उसके बाद ये है ट्यूसडे का दिन। आज कोई मूड नहीं था कोई भी कुछ भी क्लिप शूट करने का, लेकिन जब बारिश को मैंने देखा तो सोचा आप लोगों के साथ भी ये बारिश शेयर की जाए। और ये नवंबर की फ़र्स्ट बारिश है शारजा में विंटर्स की। और साथ ही साथ इस वक्त दोपहर के 2 या 3 बज रहे हैं और घर में बन रहा है चिकन कढ़ाई और वो भी बहुत मज़े की बनी थी। तो आज हमने मौसम बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अभी के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।